सरकार के ही आंकड़े हैं कि उन महिलाओं के ही 2 से अधिक बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गईं। यही नहीं, नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे का डेटा बताता है कि यूपी में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में प्रजनन दर बहुत अधिक है और इसका सीधा संबंध उनकी गरीबी और अशिक्षा से है। शादियां भी कम उम्र में हो जाती हैं। तो क्या इस आधार पर इस तबके को सरकारी नौकरी से वंचित करना सही होगा? जानते सब हैं कि कानून बनाने की जगह औरतों को सक्षम बनाने से आबादी में कमी आएगी। उसके लिए जरूरी है कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर ढंग से खर्च करे।